कुछ आइडिया है इसका? जी रिपीट बैंक कोई गया है कभी? बैंक जाके आप लोगों ने जो है चेक विड्रॉ कराया हो, किस तरह से विड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई है इसका आइडिया क्या होता है? नहीं आइडिया बिल्कुल भी। अच्छा अलीजा माइक बंद कर दें। कोई भी नहीं बता रहा, अजान आप भी नहीं बताएंगे बेटा, इशबा और सर मैं कौन गई नहीं हूँ। है? जी जी मनाल आप बताएं। अच्छा को जी बताएं कौन बताना चाह रहा है जी? कोई भी नहीं, चलें ठीक है मैं इसको समझा देता हूँ। बैंक में होता क्या है, बेसिकली आप लोगों के पास बैंक में ये होता है कि हम लोग जो है जाते हैं बैंक में, अपना चेक इसको डिस्प्ले करते हैं। जब हम चेक डिस्प्ले करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें सबसे पहले जो है आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर के बाद उसका चेक नंबर होता है, चेक नंबर के बाद जो है आपके पास फिर जो है और दूसरी चीज़ें, उसकी बैंक का ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है सही। चेक हाँ साइन भी होता है अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इसमें हुआ क्या हमारे पास, ये अगर जमा भी करवा रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास चेक के अंदर मौजूद होती है। तो वो क्या कर रहा होता है, आपके पास जो बैठा हुआ होता है आदमी, वो आपका पहले चेक लेता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता है, फिर उसको टैली करता है। मिसाल के तौर पे उसने आपका जो है अकाउंट नंबर टैली किया और आपका जो चेक नंबर है वो टैली करता है, ताकि उसको पता ही चल जाता है क्या जिस आदमी को हम लोगों ने दिया था चेक, क्या ये वही चेक है, ये कोई और चेक लेकर आ गया, ये इसने जाली चेक बनाया है। ठीक है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सारी वो चीज़ें चेक कर रहा होता है। फिर अगर उसके पास कंप्यूटर है तो फिर वो कंप्यूटर पर वर्क करेगा, वरना वो क्या करेगा कि जो है वो अपना रजिस्टर निकालेगा। अगर नेशनल बैंक आप चले जाएँ तो वो रजिस्टर पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक वगैरह चले जाएँ तो वो जो है बाकायदा उसको टैली करते हैं। अच्छा अब क्या होगा, इतनी सारी चीज़ें वो चेक करने के बाद फिर आपको वो कैश दे रहा होता है, और कैश देने के बाद भी फिर वो क्या कर रहा होता है कि आपका बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है। अब आ जाए MICR की तरफ। MICR होता क्या है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो आपका प्रिंटेड चेक होता है इसको वो स्कैन कर लेता है, और स्कैन करने के बाद फिर वो जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन खुद ही गेट करता है। ठीक है आपने चेक दिया, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक कर रहा है कि आदमी का नाम सेम है, आदमी का जो है चेक सेम है, उसका जो है नंबर हर चीज़ पर, उसका सिग्नेचर टैली। जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा था, कौन था, उसने ये लिखा था कि जो सिग्नेचर भी टैली करना पड़ता है। तो सिग्नेचर, ये सारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ जा रही हैं, हमारे पास रिकॉर्ड हो रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है तो MICR में होता क्या है हमारे पास, आपको एक स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक चेक बना हुआ है, इस चेक में जो है इसका जो है बैंक का नाम, इसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट, इसका बैंक चेक का नंबर डिटेल कौन सी, ये सारी चीज़ें उसमें जो है गिवन है। अब ये क्या करता है, जब वो इसको MICR मशीन में पे जब वो गुजारेगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन खुद आ जाएगी। फिर बैंक उस वक्त उसी वक्त ऑन द टाइम मशीन ये डिसाइड करती है कि इसका चेक जमा करना है या नहीं करना, या इसका जो है इसको कैश हमें देना है या नहीं देना है। ठीक है मॉडर्न बैंक जो हैं, आई थिंक पाकिस्तान में शायद सिटी बैंक के पास है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर जो बैंक होते हैं वहाँ यही होता है कि आपने चेक लिखा और चेक लिख के जब आप मशीन से पास करते हैं तो वो खुद ही जो है आपको कैश दे देता है उस चेक की बिहाफ पे। ठीक है अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, उसके आदमी के पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको चेक दे दूंगा, वो किसी भी मशीन से जाके जो उस बैंक की मशीन होगी या किसी दूसरे मशीन से अगर उसका कोई इंटरलिंक है तो वो क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये फैसिलिटी किस वजह से है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। इसमें जो इंक होती है बेसिकली वो इंक जो है कंप्यूटर रीड करता है, और रीड करने के बाद उस इंक को जो है वो टैली करता है कि आपके पास कौन सा वो नंबर है, फिर उसको वो एज अ करेक्टर एज अ इनपुट लेता है और फिर उसको मैच करता है आपके जो चेक से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं।
यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? आगे चलें। सर जी बेटा, सर जी, कौन सी बैंक है? सही कौन से बैंक से? पढ़े मतलब की हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, जो बैंक्स हैं, जो मॉडर्न बैंक्स हैं आपके पास, उनके पास ये ऑप्शन होता है। सिटी बैंक में ये है, कराची में जो सिटी बैंक है उसके पास ये ऑप्शन है कि आपको चेक जमा कराने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ता, बल्कि एटीएम मशीन में ही आप अपना चेक रख दें, तो वो जो है उस पर वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आपको जो है वो चेक जमा कर देता है। ठीक है, सिटी बैंक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 10 बजे आपको याद आया कि मुझे चेक जमा कराना है, तो आप चेक जमा करवा सकते हैं, या अगर आपको उससे के जरिए कैश चाहिए तो आप कैश हासिल कर सकते हैं। अभी आजकल हमारे यहाँ जो है लॉकडाउन चल रहा है, पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों ने बैंकिंग में प्रॉब्लम क्यों फेस की कि हमारे पास कोई डिजिटल सिस्टम नहीं था, हम बिल्कुल मैनुअल सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। हमारे यहाँ हो क्या रहा था कि जो है बाकायदा बैंक खुले हुए थे, लोग जाते थे, चेक देते थे, चेक देने के बाद फिर वही सारे प्रोसीजर जो मैंने आपको बताए वो करने के बाद फिर जब वो दे रहे थे, तो और उसमें जो है आपको एक डिस्टेंस का भी ख्याल रखना था, तो आपका जो है रश बढ़ गया था। लेकिन अगर आपके पास आप स्मार्ट एटीएम मशीन्स वगैरह होती तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करते, किसी भी मशीन में किसी भी टाइम जाके अपना चेक जमा करते, मशीन को देते, मशीन उसकी बिहाफ पे आपको जो है वो अमाउंट दे देता। ठीक है, अगर किसी का सिटी बैंक है तो उसको ये बेनिफिट हो गया होगा कि उसको चेक जमा कराने में या कैश विड्रॉ में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। अच्छा, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या है बेसिकली? सर मैग्नेटिक, सर जी जी बेटा बोले। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर हम पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आर प्रेजेंट ऑन मैनी प्लास्टिक कार्ड यूज टू द क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम, डेबिट कार्ड्स। सर मैं कह रहा था कि ना हमारा बैंक में अकाउंट अच्छा, अगर और आवाज़ में सर बेटा आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सर आप ऐसा करें कि अभी फिलहाल खामोश हो जाएं, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो उसमें जो है आपके पास एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अब्दुल्ला इब्राहिम ने हमें लेट ज्वाइन किया है, तो आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं अभी इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो है अभी यहीं से करें। मैग्नेटिक, एक करेक्टर रीड के बाद होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होता है, आपके पास ये जो आपके एटीएम कार्ड्स होते हैं, ये एटीएम मशीन जितनी भी होती हैं यहाँ पे आप करते गए हैं बेसिकली, आपके हर इंसान का देखें बाहर देखने में कार्ड सेम सिमिलर होता है, लेकिन उसके अंदर जो एक ब्लैक कलर से जो जो चीज़ हाइड की हुई होती है उसके अंदर एक पैटर्न दिया हुआ होता है। जब आपको वो अल्ट्रा लाइट जो है वो उसको जो है पास करता है, तो उसको क्या करते हैं, वो करेक्टर नज़र आ जाता है, स्पेसिफिक करेक्टर। उस करेक्टर से फ़ायदा ये होता है हमें कि उस करेक्टर के ज़रिए हमें जो है वो पता चल जाता है कि किसका अकाउंट नंबर है। ये समझे एक बिल्कुल पिक्चर फॉर्मेट होता है, और पिक्चर फॉर्मेट जो है इसके एक डिफरेंट जो है डिज़ाइंस के ज़रिए हर इंसान को डिफरेंट डिज़ाइन ऐसा अलॉट किया जाता है। क्यूआर रीडर आप लोगों ने देखे कहीं? अक्सर चीज़ें जो आप लोग खरीद रहे होते हैं उसमें क्यूआर रीडर्स होते हैं। मेरे पास है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो बारकोड रीडर होते हैं, क्यूआर रीडर्स होते हैं। तो क्यूआर रीडर बेसिकली होता क्या है, वो कुछ पिक्चर्स होती हैं ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन की, तो आप उसको जो है किसी ये तरह सर वो से कोड टैग करते हैं, क्यूआर जी जी हाँ, क्यूआर स्कैनर्स जो होते हैं बिल्कुल सही। स्कैनर करते हैं वो एक। तो ये भी बिल्कुल मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर भी जो है क्यूआर की तरह ही होता है। इसमें तकरीबन आप जो है 30 डिजिट से ज़्यादा का जो है डाटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। 30 डिजिट से मुराद ये होती है कि तकरीबन बिलियन से ज़्यादा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 9 बिलियन जो है आपके पास एटीएम कार्ड आ सकते हैं। इतनी तो मेरे ख्याल से आबादी भी नहीं होगी हमारी, लेकिन जो है हमारे पास क्या है, एटीएम कार्ड आ सकते हैं इतने। इसको हम क्या करते हैं, इस पिक्चर पैटर्न पे हम स्टोर करते हैं, तो जो जी इसका कार्ड जो होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का काम ये होता है कि वो उसको जो है रीड करके आपको जो है इसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचाता है और उसको एक्सेस करता है। अब आपको तो उस कार्ड के ज़रिए जो है पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये भी बिल्कुल जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर की तरह ही फंक्शन कर रहे होते हैं। कार्ड आप चाहे स्मार्ट कार्ड पे लगाएं या इस स्ट्रिप रीडर पे लगाएं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्ट्रिप रीडर पे आपको जो है स्विप करना पड़ता है, जबकि इस स्मार्ट कार्ड रीडर में आपको स्विप नहीं करना पड़ता, बल्कि इसको स्टैंड अलोन रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट इज़ अ टच स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हमारे पास डिजिटलाइजर जो है एक मशीन है। डिजिटलाइजर किसे कहते हैं? डिजिटलाइजर और डिजिटलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड, डॉक्यूमेंट, सिग्नल्स बाई डिस्क्रीट सेट इट्स पॉइंट और सिंपल। द रिजल्ट कॉल्ड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन और मोर स्पेसिफिकली अ डिजिटल इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट द फॉर्म ऑफ द सिग्नल। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिजिटलाइजर मीन्स सिंपली के कंप्यूटिंग द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल फॉर्म। डिजिटलाइजर बेसिकली करते ही क्या है, आपकी जितनी भी एनालॉग चीज़ें होती हैं इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग क्या होता है, कोई बताएगा एनालॉग क्या होता है? एनालॉग डिजिटल, ये जो हम लोगों ने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, ये क्या होती हैं? जी अब्दुल्ला, आप बताएंगे एनालॉग डिजिटल? देखें इस चीज़ को समझें, एनालॉग ये डिजिटलाइजर होता क्या है। हमारे पास मिसाल के तौर पे हम कोई वर्किंग कर रहे हैं, लेट सपोज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो वॉइस है यहाँ पर जो मैं मेरे मुंह से निकल रही, ये एक एनालॉग है। मेरे पास यहाँ पे माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन करेगा क्या, मेरी साउंड को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। अब आपके पास जो आ रही होगी वो स्पीकर से साउंड आ रही होगी, ठीक है, इसने किया क्या, उसको डिजिटलाइज कर दिया, यानी कि मेरे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया उसने डिजिटल सिग्नल में। इसी तरह हमारे पास जो है हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं। आपने कोई इमेज ड्रॉ किया डिजिटलाइजर में, वो क्या करेगा, उसको वो कन्वर्ट कर देगा पिक्चर फॉर्मेट में। जेपैक भी हो सकता है, रॉ भी हो सकता है, या आपके जो डिजिटल कैमराज होते हैं इससे आप स्नैप लेते हैं, ये करता क्या है, उसको डिजिटलाइज कर देता है। ठीक है, इसी तरह साउंड है, आपकी जो है पिक्चर है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपके पास कोई बुक है, उस बुक को जो है आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, तो डिजिटलाइजर क्या करेगा, आपकी बुक को वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, कोई क्वेश्चन? जी बेटा, एनी एक क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉनिक सर, कार्ड। जी जी बोले। क्या मुझे एनालॉग का मतलब एनालॉग एनालॉग और डिजिटल समझ में नहीं आया आपके? जी सर, एनालॉग। जी एक मिनट, एनालॉग और डिजिटल समझ में नहीं आया आपके? हेलो, किसके किसके अलीजा, आपकी समझ में नहीं आया? जी सर। अच्छा देखिए बेटा, एनालॉग क्या होता है, एनालॉग होता है वो सिग्नल्स जो मैकेनिकल क्वांटिटीज पे वर्क कर रहे होते हैं। मैकेनिकल क्वांटिटीज से मुराद क्या होती है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, कि मिसाल के तौर पे आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है किस तरह से होती है। जब हम आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ फिजिकल सिग्नल्स होते हैं जिससे हमारी आवाज़ क्रिएट होती है। ठीक है, ये क्या है, एनालॉग है। डिजिटल क्या है, डिजिटल ये है कि कंप्यूटराइज फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करना, उसको एक फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं डिजिटलाइजर, डिजिटल। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास अबैकस एक कंप्यूटर था, हमने पढ़ा था अबैकस के एक एनालॉग कंप्यूटर है, उसमें क्या होता है, मैं मैनुअली उसकी जो है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, इसके यूनिट्स अलग कर रहे होते हैं, टेंस अलग कर रहे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के आपके पास जो मॉडर्न कैलकुलेटर है, आप सिंपल बटन दबाते हैं और वो बटन से जो है आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो मर्करी थर्मामीटर है, जब आप अपना टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं जिस कंप्यूटर से, तो वो क्या करता है, हाशिर मुझे पता है टाइम ओवर हो गया, अभी ब्रेक का टाइम है,
2 मिनट वेट कर लें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आप जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। ठीक है अलीजा, समझ में आ रहा है बेटा? इस चीज़ को समझ लें ज़रा, एनालॉग और डिजिटल को। तो इसमें क्या होता है, अब मर्करी थर्मामीटर क्या करता है, जब आप उसको अपनी ज़बान पे रखते हैं तो वो जो है आपके टेम्परेचर से मैच होने के लिए वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि कोई भी चीज़ जब हम आप हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है। तो मर्करी थर्मामीटर में क्या करते हैं, जब आप ज़बान पे रखते हैं तो उसका लेट सपोज अगर टेम्परेचर 95 था तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक वो एक्सपेंड करता है। अगर वो लेट सपोज अगर आपका अब क्या होता है, लेट सपोज अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 है तो वो 98.6 पे आके रुक जाएगा, लेकिन अगर आपका 106 आ गया या 104 आ गया तो वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड होगा। ये क्या है, एक मैकेनिकल वे में इसने जो है इसको वर्किंग की, इसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर ये होता है कि आप वो एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जनरेट करता है, कुछ फजी लॉजिक्स जनरेट करता है, उस लॉजिक्स को जनरेट करने के बाद वो आपको एक रिजल्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के कंप्यूटर जो जीरोज एंड वन की फॉर्म्स में वर्किंग कर रहे होते हैं उनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, एनालॉग और डिजिटल? कोई क्वेश्चन किसी का? अजान, इशबा, अफसा? जी जी इशबा, समझ आ गया? समझ आ गया, गुड बेटा। अच्छा ठीक है, फिर जो है इसी तरह अब डिजिटलाइजर का फंक्शन क्या हुआ कि वो आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्लियर है डिजिटलाइजर? जी बेटा। अच्छा तो फिर आज क्लास हम इतनी करते हैं, ख़त्म करते हैं, आगे फिर इसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी ब्रेक भी है और आप लोग भी फिर ब्रेक करें, हम लोग भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ लीजिएगा, ये वीडियो ब्रेक है, और रिकॉर्ड कर लूँगा। जी बोलिए। ब्रेक ओवर होने में 5 मिनट बाकी, अब क्या ब्रेक करेंगे? तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, 5 मिनट चाय पी लो, तुम्हें कौन सा जो है